हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम लाइफ 2403N का IMEI रिपेयर करेंगे। और कैसे करना है देखते रहिए। अभी देखिए, मैंने इस फ़ोन का IMEI चेक किया है और IMEI किसी कारणवश इस मोबाइल से हट चुका है। IMEI 0 बता रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। अब हम आगे बताएंगे कि इसमें IMEI डालना कैसे है। अगर सेम प्रॉब्लम आपके मोबाइल आपके पास जो आता है इस मोबाइल सेम प्रॉब्लम से, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले मोबाइल चालू कर लेना है, फिर PC से कनेक्ट कर देना है ना। उसके बाद कुछ ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल होंगे, ऑटो तो खुद ही इंस्टॉल होंगे, उनको इंस्टॉल होने देना है ना। उसके बाद कनेक्ट होगा, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा ड्राइवर, होने देना है उनको। उसके बाद एक एप्लीकेशन है, उसको आपको खोलना है। वो एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मोबाइल को कनेक्ट PC से कनेक्ट करने के बाद ही इस एप्लीकेशन को खोलना है। पहले खोलेंगे तो वो COM जो पोर्ट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो पहले मोबाइल कनेक्ट करना है, फिर इसको खोलना है। उसके बाद क्या करना है, IMEI 1 दिख रहा है, वहाँ पे IMEI नंबर डाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद दो सिम, अगर दो सिम वाला मोबाइल है तो दोनों IMEI नंबर को डाल देना है। IMEI नंबर वही डालना है जो मोबाइल के पीछे लिखा होगा, कोई भी दूसरा नंबर डालना इलीगल है। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर जो मोबाइल में उस मोबाइल के पीछे IMEI नंबर डला है, वही IMEI नंबर आपको डालना है, ठीक है। और दूसरे में भी सेम IMEI नंबर डाल देना है। अगर सिंगल सिम है तो भी दोनों में डालना है, लेकिन सेम IMEI नंबर क्या करना है दोस्तों, हमको दोनों में डाल देना है, दोनों में डाल देना है। और उसके बाद हमको राइट IMEI में क्लिक कर देना है। 1 सेकंड में वो जो है आपका डन हो जाता है और जो IMEI है वो डल चुकी है ना फ्रेंड्स। ये हो गई IMEI, डल गई 1 सेकंड का।